नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसान हर को निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। एट वीदा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस PSL इन एसोसिएशन विद HNA आर्म्स इनकॉर्पोरेशन जापान। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। बंगाल ओडिशा में मौसम का तांडव, 5 एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स स्थगित, ट्रेनें भी रद्द। चक्रवात के मद्देनजर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए रेड कोडेड चेतावनी जारी की गई है। पड़ोसी राज्य झारखंड ने भी अलर्ट जारी किया है और चक्रवात के प्रभाव के मद्देनजर तैयारी की जा रही है। चक्रवात यास तेजी से ओडिशा की ओर बढ़ता जा रहा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। ओडिशा के भद्रक और बालासोर में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका है। खराब मौसम के चलते पूर्वी राज्य के 5 एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स स्थगित कर दी गई है। वहीं रेलवे ने ओडिशा पश्चिम बंगाल के सभी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा बिहार और झारखंड में भी कई ट्रेनें रद्द की गई है। यास तूफान के खतरे को देखते हुए पूर्वी तट से सटे बंगाल की खाड़ी में जितने भी ऑयल रिग है उन्हें खाली करा दिया गया है। इसके अलावा जो 70 मर्चेंट शिप समंदर में थे उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। कोस्ट गार्ड के डिप्टी DG ने बताया कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड के कुल 20 जहाज और 3 एयरक्राफ्ट इस वक्त बंगाल की खाड़ी में तैनात है। मौसम विभाग के अनुसार भीषण चक्रवाती तूफान आज दोपहर तक हवाओं की 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ओडिशा तट से टकराएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने असम बंगाल सीमा का किया दौरा, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना महामारी के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कूचबिहार से सटे असम बंगाल सीमा का दौरा कर वहां के वास्तविक हालातों का जायजा लिया। बता दें कि पिछले साल कोरोना के उत्थान के बाद से ही असम सरकार की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में कई कठोर निर्णय लिए गए थे। इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश तबाह है। कोरोना मरीजों के साथ साथ कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में इजाफा लगातार देखा जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में असम सरकार ने असम बंगाल सीमा को सील करने समेत कई कदम उठाए हैं। माल ढुलाई सहित अन्य आपातकालीन सेवा के लोगों को कोरोना परीक्षण के बाद असम में प्रवेश करने की अनुमति है। असम बंगाल सीमा पर कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों और अन्य पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मंगलवार सुबह असम के छागलिया स्कूल मैदान में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतरे। फिर असम बंगाल सीमा पर असम राज्य के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन्होंने कोरोना वायरस के वर्तमान हालातों को लेकर विस्तार से चर्चा की। बाद में मीडिया से बातचीत में असम के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में कोरोना वायरस को लेकर सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। वे खुद विभिन्न जिलों का दौरा कर वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में आज असम बंगाल सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया गया। সন্মানীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত ডাঙরিয়া, আমার BTCর প্রধান প্রমোদ বড়ো, আমি সকলে আজি কোকরাঝার আর ধুবুরী জেলার কোভিড পরিস্থিতির পর্যালোচনা করবর আসছিল। বিশেষ পশ্চিমবঙ্গ আর সীমান্ত সাগালিয়া আর শ্রীরামপুর কি ধরনের প্যাসেঞ্জার মুভমেন্ট আমি টেস্ট করেছো, কেনেকে আমি পজিটিভিটি পাইছো, কি ধরনের গোটেই বস্তুটোর পরিচালনা করা হয়েছে, এই গোটেখিনি আমি চাব আহিছিল। ধুবুরী জেলাত আমি দেখা পাইছো যে প্রতিদিনে প্রায় 150 ওচরা ওচরি কোভিড পজিটিভ কেস আহি আছে। ধুবুরী জেলার উপায়ুক্তক আমি পরামর্শ দিছো যে 3000 আমি ইয়াতে যদি টেস্ট করেছো রেড টেস্ট, কিন্তু RT-PCR টেস্ট ইয়াত একেবারে কম, প্রতিদিনে 600-700 RT-PCR টেস্ট করবর কারণে আমি অনুরোধ করছো। গাঁও অঞ্চলবিলাকতো এতিয়ার দুটা বাজার পিছত কার্ফিউ থাকিব, যত যত কেস বেশিক উলাইছে সেই এরিয়াবিলাক আমি মাইক্রো কন্টেইনমেন্ট জোন বনাবর কারণে কইছো।
ইয়ার নগর অঞ্চল বিলাকত বিশেষকৈ ভ্যাকসিনেশন তো যেতিয়া আমি ভ্যাকসিন পাও ভ্যাকসিন দিয়ার কামটো আরম্ভ করিব কৈছো বেছি নগর অঞ্চল বিলাকত বিশেষকৈ যিবিলাক পকেটত কোভিড হৈছে তাত বেছিকৈ ভ্যাকসিন দিয়ার বাবে আমি অনুরোধ কৰিছো। আৰু হোম কোয়ারেন্টাইন লাহে লাহে বন্ধ কৰিবৰ বাবে আমি বিশেষ পরামর্শ দিছো। अभी जारी है देश में कोरोना का कहर। एक दिन में 4,172 लोगों ने गवाई जान। नए केसेस फिर से 2,00,000 के पार। बड़े मौतों के आंकड़ों ने फिर से डराया। भारत में कोरोना वायरस के प्रसार में अब गिरावट तो आई है। कोरोना के मामले नए घटने के साथ ही संक्रमण दर में भी कमी देखी जा रही है, मगर मौतों के आंकड़ों में अब भी टेंशन दे रहा है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के नए मामलों में 2,00,000 के बेंचमार्क के करीब तो आ गया है, मगर रोजाना होने वाले मौतों का आंकड़ा अभी भी 4,000 के करीब बना हुआ है। देश में बुधवार को बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से एक बार फिर 4,172 लोगों की मौत हुई है, जो मंगलवार के आंकड़ों से अधिक है। मंगलवार को देश में 21 दिनों बाद मौतों के इतने कम 3,498 मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बुधवार को बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,08,886 नए केसेस सामने आए। वहीं इसी दौरान करीब 4,172 लोगों ने दम तोड़ा। मंगलवार को यही आंकड़ा 3,498 था। वहीं नए केस भी 2,00,000 से नीचे 1,95,815 सामने आए थे। इसी तरह से देखा जाए तो बीते दिन के तुलना में कोरोना के मामलों में फिर से बड़ा इजाफा देखने को मिला। कोरोना से सबसे अधिक तबाही महाराष्ट्र और कर्नाटका में देखने को मिल रही है। पूर्व विद्यार्थियों ने कोरोना मदद में जुटी स्वयंसेवी संस्था को दी आर्थिक मदद। कोरोना संकट काल में फंसे लोगों की सेवा के लिए पूर्व छात्र आगे आए हैं। जलपाईगुड़ी जिला स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों ने कोरोना पीड़ितों की मदद कर रही स्वयंसेवी संस्था को आर्थिक मदद प्रदान की है। जिला स्कूल के 2001 बैच के माध्यमिक पास आउट विद्यार्थियों की इस पहल की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। इन विद्यार्थियों ने स्वयंसेवी संस्थान ग्रीन जलपाईगुड़ी को गरीबों की मदद के लिए नगद 35,000 रुपये सौंपे। जिला स्कूल के एक पूर्व छात्र ने बताया कि ग्रीन जलपाईगुड़ी इस कोरोना की स्थिति में लोगों की सेवा में लगा हुआ है। उनकी ओर से छोटा सा अनुदान उन्हें सौंपा गया। 2001 साल माध्यमिक बैच स्कूल तो এতদিন হয়তো প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি কিছু কিছু যে যেরকম পেরেছে হয়তো করেছে, বাট আমাদের গ্রুপ থেকে আলোচনা করে একসাথে সবাই মিলে যৌথভাবে গ্রিন জলপাইগুড়িকে অঙ্কুরদাকে আমরা অনেকদিন ধরেই চিনি, তো ওনার হাতে কিছুটা সাপোর্ট যতটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব তুলে দেওয়া হলো। উনি যেরকমভাবে অক্লান্ত প্রচেষ্টা মানে চেষ্টা করে যাচ্ছে কোভিড এগেনস্টে লড়াই করছে, তাতে যতটুকু ন্যূনতম আমরা যেটুকু কন্ট্রিবিউট করতে পারলাম এইটুকুই আমাদের উদ্দেশ্য। আশা করব ভবিষ্যতে আমরা আরেকটু কিছু করতে পারবো। তারা যদি আমাদের থেকে একটু ইন্সপিরেশন পেয়ে সবাই এগিয়ে আসে, এই কঠিন সময় যদি আমরা সবাই পাশে দাঁড়াতে পারি তাহলে আমরা মানে बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दुनिया के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धार्मिक नेता होंगे शामिल। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समारोह को संबोधित करेंगे। इस समारोह का आयोजन भारत सरकार की ओर से संस्कृति मंत्रालय करता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी आज वैसाख वैश्विक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर से दी गई। उक्त आयोजन भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ मिलकर आयोजित करता है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के सभी प्रमुख लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस समारोह को दुनिया के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धार्मिक नेता संबोधित करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक एसिडिटी कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर वेट लॉस गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स
तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1-800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी, विश्वक पहिलो कीटनाशक औषधि जिसको एक स्प्रेले भैक्सिन सर काम कर फसल में लगने विभिन्न भाइरस बैक्टेरिया र फंगस बाट होने समस्त रोग पात को रस चुस्ने क्रिया समेत नियंत्रण कर जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अज किफायती प्रभावकारी। फसल कुछ रोग कुछ एक पलट अवश्य प्रयोग कर सोचे भाग बड़ी लाभ पाने संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor. Learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चक्रवाती तूफान यास ने बांग्लादेश में भी जमकर मचाई है तबाही। चक्रवाती तूफान यास ने बांग्लादेश में भी काफी तबाही मचाई है। समुद्र के किनारे स्थित कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। चक्रवाती तूफान यास का व्यापक प्रभाव इलाकों में देखने को मिला है। वर्तमान में यह तूफान भारत के उड़ीसा में तबाही मचा रहा है, लेकिन इसके पहले बांग्लादेश में भी करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। समुद्र में 3 से लेकर 5 फीट तक लहरें उठी। इसके कारण समुद्र के किनारे स्थित कई इलाके जलमग्न हो गए हैं
और करीब 1,00,000 से ज्यादा लोग गृहबंदी हो गए हैं। तालाबों के जलमग्न होने से मछली व्यवसायियों को भी व्यापक नुकसान हुआ है। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए बांग्लादेश सरकार के द्वारा सभी एहतियातन कदम उठाए गए हैं। सेना और नौसेना को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार रखा गया है। तूफान के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। रायगंज में पैथोलॉजी कर्मी हत्या के मामले में सिविक वॉलेंटियर गिरफ्तार। रायगंज थाना के वाहिन ग्राम पंचायत के चापदुयार बर्मनपाड़ा इलाके में रस्ते के नजदीक स्थित एक तालाब में रब्बानी अली नामक एक पैथोलॉजी कर्मी का शव बरामद किया गया था। धारदार हथियार से रब्बानी अली की हत्या की गई थी। घटना की जांच करते हुए रायगंज थाने की पुलिस ने इस मामले में एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया है। रायगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यशप्रीत सिंह ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस पैथोलॉजी कर्मी की हत्या के मामले में कुसुमुद्दीन नामक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया है और उसने हत्या की बात को स्वीकार भी कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रुपयों के लेन देन के कारण यह हत्या हुई है। आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में रखा गया है। आज यानी उसको रायगंज जिला अदालत में पेश किया जाएगा। 23 तारीख एक घटना हुई थी संडे दिन। एक बॉडी पाया गया थी। जगह आछे बोरमनपाड़ा बड़ो चावद्वार अंडर बाहिन जीपी रायगंज थाना। তাহলে ওখানে পাশেই ড্রেনে একটা বডি পাওয়া গেছিলো মৃত অবস্থায় অ্যারাউন্ড দুপুরের সময়। আর তারপরও বডিকে উদ্ধার করা হয়েছিল। আর ওর নেকতে গর্দনে একটা ভুন ছিল, একটা ইঞ্জুরি মার্ক ছিল। আর ইনভেস্টিগেশন করার পর একজনকে ধরা হয়েছে আর ওইজনকে খুব ভালো করে ইন্টারোগেট করা হয়েছে। তারপরও স্বীকার করেছে এর পিছনে একটা টাকা লেনদেন ব্যাপার ছিল। অনেক দিন ধরে যা ডিসিজড আছে আর যা যাকে ধরা হয়েছে অ্যাকিউজড, ও দুজন মধ্যে একটা টাকা লেনদেন ব্যাপার ছিল। আর একটা টানাটানি হয়েছিল 23 তারিখে যখন উনি দুজন মিলেছিলেন চাপদুয়ারে। আর টানাটানি মধ্যে যা অ্যাকিউজড আছে ও ওয়ার করেছিল ওর উপরে, আর ওর গর্দনে একটা ছুরি ধার নিয়ে। এখন মার্ডার ওয়েপন পাওয়া গেছে না, ওটা খুঁজ হচ্ছে। ও বার করেছে ওর উপরে, আর ওর বার যা রেজাল্ট আছে ও মারা গেছে। তারপর ও বডি রেখে ফেলে দিয়েছে। ফরিশতা বন লোগো কি মদদ কর রহা হ্যায় শর্মা দম্পতি। সামাজিক সংগঠনো কো আগে আনে কি অপিল। জলপাইগুড়ি কে শর্মা দম্পতি নে করোনা মরিজো এবং উনকে পরিবার ওয়ালো কি মদদ কে সাথ সাথ করোনা কো লেকর লোগো মে জাগরুকতা ফেলানে, মাস্ক বাঁটনে, জরুরতমন্দো কো খানে পিনে কা সামান বাঁটনে কে मिशन में जुटे हैं। इतना ही नहीं, वे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भी जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। जलपाईगुड़ी पांडापड़ा दिशारी नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के प्रमुख और एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता शांतनु शर्मा कोरोना महामारी काल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस कार्य में उनकी ट्रेनी नर्स राहुल और सुष्मिता सरकार साथ दे रहे हैं। लोगों की मदद के लिए कभी कभी रात में भी उन्हें अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। उनकी पत्नी अनुष्मिता शर्मा पीपीई किट पहनकर उन्हें इस कार्य में मदद करती है। अनुष्मिता शर्मा ने कहा कि वे इस तरह के जनकल्याण कार्य में अपने पति की मदद कर रही है। वहीं शांतनु शर्मा ने कहा कि फिलहाल वे अपने दम पर सेवा कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति या संस्था इस कार्य में मदद के लिए आगे आए तो जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के साथ साथ कोरोना पीड़ित लोगों के घरों व उसके आसपास के इलाकों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। আমি দিশারি নার্সিং সেন্টারের জিএনএমএস স্টুডেন্ট। আমি শান্তনু স্যারের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন মেল নার্স। তো এই রকম প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমার মনে হলো যে স্যারের সহযোগিতা করা উচিত, মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। আর আমরা এই প্রফেশনেই আছি যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা মানুষের সহায়তা করতে পারছি, খুব আপ্লুত আমরা। আমাদের এটাই আমাদের প্রফেশন। আমাদের প্রফেশনের মূল মন্ত্রই এটা, মানুষের সেবা করা। আজকে আমরা যেখানে কন্টেনমেন্ট জোনগুলো রয়েছে, কোভিড আক্রান্ত প্রচুর বাড়ি রয়েছে যাদের স্যানিটাইজেশন ঠিক করা হয়নি, আমরা শান্তনু স্যারের উদ্যোগে সেই বাড়িগুলোতে গিয়ে স্যানিটাইজ করলাম এবং খাদ্য সামগ্রী বিলি করলাম। আজকে জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া দিশারি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের উদ্যোগে স্যানিটাইজেশন করা এবং কিছু খাদ্য সামগ্রী ওই কন্টেনমেন্ট জোন যে বাড়িগুলো আছে সেই বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। তো শহরে তো চলছে, শহর থেকে আমরা একটু দূরে চলে আসছি,
সেই সমস্ত জায়গায় হয়তো স্যানিটেশন হয়নি, তো সেগুলোতে আমরা মার্ক করে স্যানিটেশন করার কাজ করছি। হ্যাঁ, আমাদের অক্সিজেন পরিষেবাটা ফ্রিতে দেওয়া হচ্ছে, কারো যদি অক্সিজেন লাগে আমাদেরকে ফোন করলে পরে আমরা বাইকে করে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অক্সিজেনটা দিচ্ছি। আমাদের দিশানি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারে একটাই মাত্র অক্সিজেন সিলিন্ডার, আমরা স্টুডেন্টদের এটা শেখাই, কিন্তু এখন করোনার জন্য আমাদের ক্লাসরুম বন্ধ আছে, সেই কারণে আমরা এই অক্সিজেন সিলিন্ডারটাকেই আপাতত সমাজসেবামূলক কাজেই ব্যবহার করছি। এখন করোনার জন্য বিভিন্ন জায়গায় অক্সিজেনের প্রচুর অভাব দেখা দিয়েছে, কিন্তু আমার স্বামী এই অক্সিজেন সিলিন্ডারটাকেই নিয়ে সবার বাড়িতে বাড়িতে ফ্রিতে অক্সিজেন পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে ওটা প্রচণ্ড ভারী, ওনার পক্ষে একা নিয়ে যাওয়াটা খুব অসুবিধা হচ্ছে, তাই আমিও ওনার সঙ্গে যাচ্ছি। এতে আমরা খুব আনন্দিত বোধ করছি যে মানুষের পাশে একটু হলেও আমরা থাকতে পারছি। केंद्र की मोदी सरकार की 7 साल और किसान आंदोलन के 6 महीने हुए पूरे। 6 महीने पूरे होने पर किसान संगठन मना रहा है विरोध दिवस, लोगों से भी घरों पर काला झंडा लगाने की अपील। आज किसान आंदोलन के जहां 6 महीने पूरे हो गए, वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने भी अपने कार्यकाल के 7 साल पूरे किए हैं। भाजपा अपनी सरकार की 7वीं सालगिरह पर आज कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी, लेकिन किसान आंदोलन के सबसे बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। मोर्चा ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में देशवासियों से समर्थन मांगा है। मोर्चा के नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे आज अपने घरों और वाहनों पर काला झंडा लगाए। किसान मोर्चा धरना स्थल पर ही बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल 26 नवम्बर से राजधानी दिल्ली के सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।